गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने हमारे चैनल फ्यूचर गेमिंग पे। नहीं, अब तो स्पोर्ट्स गुरु टीवी हमने नाम चेंज कर लिया है। अब हमारा नाम जो होगा चैनल का, स्पोर्ट्स गुरु टीवी। तो आज हम आपको ड्रीम इलेवन टीम बताने वाले हैं। दो टीम में ऐसा आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि होगी बेंगलुरु बुल्स वर्सेस तमिल थलाइवास के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को पक्का दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे जो जितनी लेटेस्ट वीडियोस होगी उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप उसको देख के अपनी ड्रीम इलेवन की टीम लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बेंगलुरु बुल्स के जो प्लेइंग सेवन है वो बता देता हूँ, क्योंकि तमिल थलाइवास के तो वही सेम रहेंगे जो पहले दो मैचों में हुए। तो सबसे पहले बेंगलुरु बुल्स के हैं आशीष कुमार, जो कि एक डिफेंडर भी है, कभी कभी रेडिंग में भी आ जाते हैं, तो ये अच्छे पिक हैं। और महेंद्र सिंह सेकंड डिफेंडर, तीसरे आएंगे महेंद्र सिंह, और ये महेंद्र सिंह थे और ये महेंद्र सिंह, तीन डिफेंडर हो गए। चौथे पे हो सकते हैं संदीप या राजू लाल चौधरी। वैसे ज़्यादा चांसेस तो राजू लाल चौधरी के हैं क्योंकि पहले भी पीके खेल चुके हैं। और ऑलराउंडर में देखा जाए तो जसमीत सिंह एक हो सकते हैं। तो अभी तक पांच प्लेयर या चार प्लेयर हो गए हैं। उसके बाद रेडिंग की बात की जाए तो रोहित कुमार एज ए कैप्टन दिखाई देंगे आपको। फिर एक कासिलिंग दिखाई दे सकते हैं आपको। तो ये हो गए दो। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखा जाए तो हरीश नायक हो सकते हैं, जो कि पहले बेंगलुरु बुल्स की तरफ से खेले हुए हैं। उसके बाद अगर हरीश नायक नहीं चल पा रहे हैं तो वो लेंगे पवन कुमार, जिनके बहुत ही कम चांसेस हैं। यहाँ तो मैं कहूँगा कि आप इनको ना ही पिक करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये अच्छे, इनको चांसेस बहुत कम मिले हैं। तो आगे भी यही उम्मीद रहेगी कि बस चांसेस बहुत कम मिलेंगे। तो मैं आपको तीन तीन बता देता हूँ। एक तो हरीश नायक हो गए, और फिर दूसरे हो गए कासलिंग, तीसरे हो गए बेंगलुरु बुल्स के कैप्टन रोहित कुमार। फिर यहाँ देखा जाए तो जसमीत सिंह एक अच्छे पिक है। और डिफेंडर्स की बात की जाए तो आशीष कुमार, महेंद्र सिंह एंड महेंद्र सिंह, और एक और जो बैक कवर या कवर पे रहेंगे उन्हें कहते हैं, वो होंगे राजू लाल या फिर संदीप। लेकिन ज़्यादा चांसेस राजू लाल की, ऐसी न्यूज आ रही कि राजू लाल खेलेंगे स्टार्टिंग सेवन में। तो यही होगी बेंगलुरु बुल्स की प्लेइंग सेवन, और तमिल थलाइवास की तो वही रहेगी जो पहले दो मैचों में थी। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दो टीम दिखा देता हूँ। सबसे पहली टीम है जिसमें हमने रोहित कुमार को लिया है, सेकंड टीम में हमने रोहित कुमार को नहीं लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको रोहित कुमार वाली टीम दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं मैंने किस 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 को पिक किया है। तो अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जाके लाइक मार दीजिएगा। और जो पहली जो इसकी वीडियो है, जो इसके पहले वाला मैच है, उसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगा, क्योंकि उसके अभी तक प्लेइंग सेवन पक्के नहीं हुए, कौन कौन खेलेंगे कौन कौन नहीं खेलेंगे। तो इसमें हमने तमिल थलाइवास के डिफेंडर अमित हुड्डा को लिया है, जो कि 14.5 के हैं, देख सकते हैं वहाँ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका 31। हालांकि पिछले मैच में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन तब भी, क्योंकि पिछला मैच तमिल थलाइवास हार गई थी, लेकिन अब इनका मैच है बेंगलुरु बुल्स के साथ, तो ये रहेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से खेलेंगे और मैच को जीतेंगे। तो उसके बाद आते हैं, हमने लिया यहाँ पे जय दर्शन को, जो कि बहुत ही अच्छे पिक हैं। इन्होंने 32 पॉइंट कुल दिए हैं आपको, देख सकते हैं इनका परफॉर्मेंस भी लगातार एकदम अच्छा है। फिर राजू लाल को लिया हमने, जैसे मैंने कहा कि आपको दिखाई देंगे कोर्ट पे। फिर ऑलराउंडर में जाए तो मनजीत चिलर एज ए कैप्टन, एज ए वाइस कैप्टन दिखाई देंगे आपको कोर्ट पे। फिर अजय ठाकुर को तो पक्का कैप्टन बनाइएगा, 106 पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। फिर रोहित कुमार आते हैं, जो भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, हालांकि इंडिया टीम से उनको इतने ज़्यादा मौके नहीं मिले थे, लेकिन ये बेंगलुरु बुल्स के कैप्टन है। तो ये और कासलिंग पे बेंगलुरु बुल्स की पूरी उम्मीद टिकी हुई है। फिर आते हैं जसवीर सिंह, वो भी अच्छे पिक हैं, जो 13.5 में हमको मिल जाते हैं। आप चाहे तो सुरजीत को भी ले सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा 0.5 महंगे हैं, इसलिए हमने उनको नहीं लिया है, और उन्हें ज़्यादा पॉइंट भी नहीं दिए, सिर्फ 40 पॉइंट दिए। वहीं जसवीर सिंह आपको पूरे मैच में खेलते हुए दिखाएंगे, और इनको तो कभी कभी बाहर भी बुला लिया करते हैं। और अगर सुकेश हेगड़े फिट हो गए तो सुरजीत सिंह शायद ना खेलें, तो इसीलिए थोड़ा डाउट में, इसलिए जसवीर सिंह के साथ आप जाएं। तो हमने यहाँ पे तीन रेडर्स के साथ गए हैं, अजय ठाकुर, रोहित कुमार, जसवीर सिंह। ऑलराउंडर में देखा जाए तो मनजीत चिलर, और डिफेंडर्स में अमित हुड्डा, जय दर्शन और राजू लाल चौधरी। तो हमारी टीम क्या बनी है देख लेते सबसे पहले। तो हमारी टीम यह तीन एक तीन के कॉम्बिनेशन के साथ अपन गए हैं। तो
आप चाहे तो वाइस कैप्टन मंजी चिल्लर को ही बना सकते हैं या फिर जो भी आपकी जसवीर सिंह को ही बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा रोहित कुमार के साथ जाइए क्योंकि ये बहुत ही अच्छे रेडर है, पक्का पॉइंट आपको दिलाएंगे। अजय ठाकुर तो पक्का ही खेलेंगे, एज ए कैप्टन उनको पक्का अपनी टीम में लीजिए, तो देख लेते अपनी टीम अब दिख रही कैसे रही है। तो इसको जो पहले वाला मैच है उसकी वीडियो मैं कल सुबह डालूंगा, तो उसे देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और फिर अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो आप हमारा फेसबुक का जो ग्रुप है स्पोर्ट्स ग्रुप टीवी के नाम से उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं 1 घंटे पहले जो भी चेंजेस होते हैं वो बता देता हूँ। जैसे पिछले मैच में हमने बताया था कि मोनू गोयत नहीं खेलेंगे, इसलिए जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने मोनू गोयत को अपनी टीम से हटा दिया और वो अच्छे विनिंग्स ला चुके हैं। जैसे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि उसे 2,000 रुपये मिले, 26 वाला ज्वाइन किया था। तो ये टीम बन गई हमारे कैप्टन अजय ठाकुर, वाइस कैप्टन रोहित कुमार, 3-1-3 के कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं। बेंगलुरु बुल्स के 2 प्लेयर लिए, बाकी सब प्लेयर तमिल थलाइवास के। तो सेकंड टीम देख लेते हैं, इसमें हमने कासलिंग को लिया है, तो अमित हुड्डा को लिया हमने, महेंद्र सिंह को लिया इसमें, और जय दर्शन को लिया हमने। वैसे आशीष कुमार भी एक अच्छे पिक है क्योंकि जो इसका पहले वाला सीजन था जिसमें ये बहुत ही अच्छे डिफेंड करते हुए दिखाई दिए थे, कभी कभी रेटिंग पे भी आके पॉइंट ले जाते हैं, तो ये भी अच्छे पिक हो सकते हैं। आप चाहते तो इन्हें हटा के इनको भी ले सकते हैं, लेकिन अमित हुड्डा बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, और आशीष कुमार का कैसा फॉर्म है हमें मालूम नहीं, इसलिए हमने उनको अभी नहीं लिया है, शायद नेक्स्ट मैच में ले लें। महेंद्र सिंह भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं आपके लिए, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद और राउंड मैच गए तो वही सेम मंजी चिल्लर को हमने लिया है। उसके बाद रेडिंग की बात किया तो इसमें हमने रोहित कुमार को नहीं लिया है, जसवीर सिंह को लिया हमने, कासिलिंग को लिया, अजय ठाकुर को लिया हमने। यहाँ पे चेंजेस क्या किए, रोहित कुमार की जगह बस हमने कासिलिंग को ले लिया है, और उसके बाद डिफेंडर्स में हमने महेंद्र सिंह को लिया ले लिया जो कि आपको कवर में दिखाई दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे डिफेंडर है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देने की कोशिश करेंगे आपको। तो बस हमारी टीम इसमें भी हम 3-1-3 के कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं। तो मैं वापस आपको टीम दिखा देता हूँ, तो हमारी टीम ये बनती है, अजय ठाकुर लिया एज ए कैप्टन, वाइस कैप्टन एज ए हमने मंजीत चिल्लर को लिया है। आप चाहे तो कासलिंग को बना सकते हैं, वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं जो कि पहले दबंग दिल्ली में थे, फिर किसी और टीम में गए, वापस से बेंगलुरु बुल्स में आ गए। तो मैं कहूँगा कि आप कासलिंग के साथ जा सकते हैं या फिर मंजीत चिल्लर, जो भी आपके चॉइसेस हो, या फिर जसप्रीत सिंह को, अगर आपको अमित हुड्डा ज़्यादा पसंद है कुछ तो अमित हुड्डा के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं तो मंजीत चिल्लर के साथ जा रहा हूँ एज ए कैप्टन। अजय ठाकुर को रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देंगे आपको, अभी तक के लीडिंग रेडर्स में से एक है, नहीं टॉप पे ही है भाई अभी तक तो। तो बस आज की वीडियो में हमने 2 टीम आपको बताई है, तो देख लेते हैं वाली टीम कैसे दिख रही है हमारी। इसमें भी 3-1-3 के कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं, जय दर्शन, महेंद्र सिंह, अमित हुड्डा, मंजीत चिल्लर, अजय ठाकुर, जसवीर सिंह एंड कासलिंग अड़के। तो 3-1-3 के कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं, इसमें भी हमने वही 2 प्लेयर बेंगलुरु बुल्स के लिए, महेंद्र सिंह, कासलिंग, और बाकी सबके सब वही सेम टू सेम ऐसे हमने पहले टीम में लिए थे, ये टॉप प्लेयर्स हैं उनके, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दिलाएंगे आपको ये दोनों प्लेयर, अजय ठाकुर एंड मंजीत चिल्लर। और कासलिंग का भी कैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसके ऊपर ही हम उनके नेक्स्ट टीम लेंगे। तो मैंने आपको प्लेइंग 7 बता दी है, तो एक बार वापस से देख लेते हैं, अगर आपको देखना है भूल गए हैं कि प्लेइंग 7 कौन कौन से हैं, तो मैं दोनों टीम के बता देता हूँ, आशीष कुमार, महेंद्र सिंह एंड इसमें दो महेंद्र एक महेंद्र सिंह एक महेंद्र सिंह है, संदीप राजूला में से कोई एक खेलेंगे, और अंदर में देखा तो जसमीत सिंह दिखाई देंगे आपको। रेडर्स की बात की जाए तो रोहित कुमार, कासिलिंग और पवन और हरीश नायक में से हरीश नायक के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब हमने वापस आपको टीम बता दी है, ये टीम रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, तो चले चलते हैं, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और जो नेक्स्ट इसके पहले वाला मैच है उसकी वीडियो हम कल सुबह डालेंगे, तो उसे भी देखना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।